अभी जो मेन क्वेरी आ रही है दैट इज लाइक हम मॉक्स दे रहे हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसके अंदर. सो इस सेशन में मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ. हे गाइस, वेलकम बैक. सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन कुछ टिप्स के बारे में विच आई फॉलोड और जो मैंने इम्प्लीमेंट किया, मुझे उससे बेनिफिट मिला था वाइल गिविंग द मॉक्स. सो एज़ यू ऑल माइट बी नोइंग डैट RRB P1 क्लर्क के नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं एंड यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर प्री के लिए भी, मेन्स के लिए भी, कंप्यूटर, GA एंड देर आर सो मैनी थिंग्स. सो अभी जो मेन क्वेरी आ रही है दैट इज़ लाइक हम मॉक्स दे रहे हैं बट मार्क्स नहीं आ रहे हैं उसके अंदर. सो इस सेशन में मैं उसी बारे में बात करने वाली हूँ. गाइज, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ वेन एवर यू गिव अ मॉक, मतलब उसको स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक अ क्विक स्ट्रैटजी. लाइक RRB में 45 मिनट्स होंगे आपके पास क्यूमुलेटिव एंड 80 क्वेश्चन आपको करने होंगे. सो यू कैन स्विच बिटवीन द सेक्शंस ऑल्सो, लाइक मैथ्स एंड रीजनिंग है, क्वांट्स एंड रीजनिंग. सो कोई भी सेक्शन आप पहले ले सकते हैं, इन बिटवीन ऑल्सो यू कैन स्विच. सो आपको अपना देखना है स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है एंड उस अकॉर्डिंग आपको टाइम डिवाइड करना है. लाइक मेरे टाइम पर मैंने क्या किया था, मैंने क्वांट्स थोड़ी मेरी वीक थी तो मैंने उसको 20 मिनट्स ईच ऐसा करा. उसके बाद जो 5 मिनट्स का बफर टाइम मैं लेके चलती थी उसमें क्या होता था, 20 20 मिनट्स में पूरा पेपर दे दी क्वांट्स का भी, रीजनिंग का भी. एंड उसके बाद जो 5 मिनट्स बचते थे पूरा पेपर देने के बाद, आई यूज टू एनालाइज कि यार रीजनिंग टफ आई है या क्वांट्स. इतना तो अपन को एनालाइज हो जाता है पेपर देते टाइम. तो उस 5 मिनट में मैं ईजी सेक्शन पर स्विच कर लेती थी. लाइक अगर क्वांट्स ईजी है और उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, रीजनिंग बहुत टफ थी देते टाइम, तो मैं उस 5 मिनट में क्वांट्स में स्विच कर लेती थी एंड क्वांट्स के क्वेश्चंस ज़्यादा बनाया करती थी. तो ये एक इट्स अ बेसिक थिंग जो आप लोगों को करनी चाहिए. हमेशा एक बफर टाइम लेके चलना चाहिए जिसके अंदर आप लोग अपना जो आपको लगे पेपर में, बिकॉज होता क्या है, जनरली स्टूडेंट्स यूज टू अज्यूम डैट रीजनिंग ईजी है, पेपर में भी ईजी आएगी. बट एक्चुअल में होता क्या है, एग्जामिनर रीजनिंग को टफ बना देता है एंड क्वांट्स ईजी होती है. एंड क्वांट्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं तो अपन पूरे देखते भी नहीं, अपन को लगता है वो तो टफ होगी ही एंड अपन क्वेश्चन स्किप करते करते रीजनिंग के पीछे भागते हैं. एंड रीजनिंग में वी यूज टू लाइक के अच्छा इतना टारगेट था हमारा 40 में से हमको 35 बनाना है. और उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए अपन रीजनिंग में लगे पड़े रहते हैं और अपन को रियलाइज नहीं होता लाइक हाफ ऑफ द टाइम हैज़ गॉन. सो ये मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है. जैसे आप लोगों को क्लिक हो जाए कि रीजनिंग में पजल्स हार्ड है, लेंदी है, या ब्लड रिलेशन बहुत बड़ा है, या फिर इनइक्वालिटीज टाइम कंज्यूमिंग है, तो उसी टाइम उनको स्किप करते करते आगे बढ़ो, जितना हो सके उतना करो. एंड क्वांट्स में देखो मे बी वहाँ पे ईजी हो, DIs ईजी हो, या फिर अर्थमेटिक को अपन अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं लाइक वो तो टफ आएगी ही आएगी. बट एग्जाम में इवन द एग्जामिनर नोज कि यार 45 मिनट्स में स्टूडेंट हैज़ टू डू 80 क्वेश्चंस, देन इट्स लाइक नेक्स्ट इम्पॉसिबल थिंग के मतलब इफ़ यू सी तो 30 सेकेंड्स भी अपन नहीं दे पा रहे किसी क्वेश्चन को. तो वही चीज़ है, उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि पेपर थोड़ा ईजी साइड पे ही होगा, बस स्मार्ट वर्क करना है. ऐसा नहीं कि अपन सोच के आए प्री अज्यूम करके कि रीजनिंग करनी है और अपन उसी में लगे पड़े हैं कि रीजनिंग की पजल्स बनानी है, चाहे से वो कितनी ही लेंदी क्यों ना हो. सो इवन अभी भी आप लोग जब मॉक्स देते होंगे घर पे, तो अभी से ही ये चीज़ हमेशा स्ट्रैटेजी मतलब अपनी बना लो कि इतने टाइम में ये सेक्शन करना है, इतने टाइम में ये सेक्शन करना है, बचे हुए कुछ मिनट्स बच रहे हैं अगर, बिकॉज ये केस भी होता है एग्जाम देते टाइम कि अपने पास 2 3 मिनट बच तो रहे होते हैं बट इतना सारे क्वेश्चंस होते हैं. लाइक वी यूज टू गेट कन्फ्यूज कि कौन सा क्वेश्चन आप उठाएं. मतलब मेरे साथ भी हुआ है, जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा तब एक्चुअल में दिस थिंग हैपेंड विथ मी. लाइक आई वॉज लेफ्ट विथ 1 मिनट एट लास्ट और मेरे को था कि यार कुछ करूँ बट क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे थे कौन से पिक करने हैं. एंड हमेशा मार्क फॉर रिव्यू जो एक ऑप्शन होता है उसको यूटिलाइज करना, काफ़ी लोग उसको ऐसे ले लेते हैं कि भाई ठीक है ये तो नहीं है मतलब का, बट उसको मार्क फॉर रिव्यू करोगे तो लास्ट के कुछ 30 सेकेंड्स भी होंगे ना तो भी मे बी आपका एक नंबर उससे आ सकता है अगर आप वहाँ पे जाके उसको सॉल्व कर लेते हैं. सो इवन अ 1-1 मार्क कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस. सो गाइस, एंड जैसे ही मॉक स्टार्ट होता है सबसे पहले अपने जो आपका स्ट्रांग है उस पर जाओ. उसमें भी सबसे पहले कोई लेंदी सी पजल ओपन हो गई है उसको 5 क्वेश्चन स्किप करके 6th पे आओ एंड देन बनाते जाओ जो भी समझ आ रहा है. उसके बाद अगर रीजनिंग आपने स्टार्ट की है, पजल आ गई है तो स्किप, उसके बाद जितने हुए उतने, उसके बाद क्वांट्स पे जाओ, वहाँ पे देखो बिकॉज वहाँ पे भर भर के अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, ये वो मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे. DI इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है प्री में. सो वो बनाओ. उसके अलावा अर्थमेटिक पे भी नज़र
मारना प्लीज़, बिकॉज जो एजेस पार्टनरशिप इनके क्वेश्चंस होते हैं वो डूएबल होते हैं एग्जाम में. सो इनको करना, उसके बाद वापस जब आपके पास 2-3 मिनट बच जाए तो मार्क फॉर रिव्यू के जो भी क्वेश्चन हो उस पर आया करो. एंड ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो इवेंचुअली आपके मार्क्स अपने आप बढ़ने लग जाएंगे मॉक्स में भी. एंड अभी आपके 50 मार्क्स अगर फॉर एग्जाम्पल आ रहे हैं तो टारगेट बनाओ नेक्स्ट मॉक में आपको 55 लाने हैं. उसके लिए क्या कर सकते हो, स्पीड आपकी अगर कम है तो उस पर वर्कआउट करो, या फिर आप पजल्स में स्टक हो जाते हो तो उसमें वो चीज़ आपकी करेक्ट करो कि पजल्स में आप स्टक ना हो. बिकॉज ये चीज़ तो बहुत ही कॉमन, दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन थिंग कि पीपल यूज टू गेट स्टक इन पजल्स एंड देन पूरा पेपर उस टाइम हाथ से निकल जाता है. तो ये मत करना. पजल अगर 1 मिनट में आपको समझ आ रही है, बन रही है, 1 मिनट के अंदर अगर आपकी 3/4 ऑफ द पजल बन रही है एंड यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि आप पूरी कर लोगे, तभी उसको आगे कंटिन्यू करना. अदरवाइज जस्ट स्किप इट एंड दूसरा क्वेश्चन करो. बिकॉज आप 2-3 मिनट उसमें इन्वेस्ट करोगे, इतने में तो आपने शायद मैथ्स के कोई क्वेश्चंस करके 10-15 क्वेश्चन वहाँ से ले लिए होंगे. तो इसलिए बोल रही हूँ बहुत वाइजली अपने क्वेश्चंस चूज करना, बिकॉज इसमें टाइम बहुत कम रहता है, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं. मार्क फॉर रिव्यू हमेशा करना क्वेश्चंस को, एंड जो आए उनको पहले अटेम्प्ट करना. बिकॉज कोई भी ऐसे ईगो पे लेके पजल को ऐसा नहीं, या DI को भी नहीं कि ये तो हमको करनी ही करनी है या इतनी बन गई और बन जाएगी, उस लालच में बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत करना. बहुत ही लिमिटेड टाइम होता है एंड मॉक्स में अभी से ही ये चीज़ अपने अंदर इंडल्ज कर लीजिए, सो डैट एग्जाम में भी आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सके. एंड फ्लेक्सिबिलिटी रखा करिए, अगर कोई रीजनिंग टफ है तो क्वांट्स पर अपना फोकस ज़्यादा कर लीजिए, एंड क्वांट्स टफ है तो डेफिनेटली रीजनिंग तो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता ही है. सो ये चीज़. एंड वन लास्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट अभी फॉर्म अगर आपने नहीं भरा है तो 15 तक का वेट कीजिए, उसके बाद फॉर्म फिल करिएगा. एंड बहुत वाइजली फॉर्म फिल करना, लाइक फ्रॉम विच स्टेट यू हैव टू अप्लाई, बिकॉज वैकेंसीज बहुत ज़्यादा डिफर करती है स्टेट टू स्टेट एंड कट ऑफ्स भी उस पर डिपेंड करती है. लास्ट ईयर की कट ऑफ ट्रेंड देखिए, वैकेंसीज देखिए एंड क्वेश्चन पेपर वगैरह देखिए, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग अपना फॉर्म फिल करना. बिकॉज अल्टीमेटली वी नीड अ जॉब, ऐसा नहीं कि हमारे स्टेट में 10 ही वैकेंसी और वहाँ से फिल कर रहे हैं और फिर उसका कोई सेंस नहीं बन रहा. सो थिंक वाइजली बिफोर फिलिंग योर फॉर्म. एंड हिंदी इंग्लिश आपको क्या लेनी है इसके अंदर वो भी सोच समझ के करना. लास्ट फ्यू ईयर्स के ट्रेंड से देखा गया डैट हिंदी इज़ क्वाइट डिफिकल्ट एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश. सो ये चीज़ भी देख लेना कि कौन सी आपको अटेम्प्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश. इंग्लिश करोगे, इंग्लिश मैंने दिया था लास्ट ईयर, मतलब मैं इंग्लिश ही दी थी दोनों बार से. सो इंग्लिश ईजी रहती है, तो इंग्लिश यू कैन अटेम्प्ट. एंड कंप्यूटर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. इफ़ यू वॉन्ट एनी PDFs ऑफ कंप्यूटर यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, एंड कोई और क्वेरी भी हो देन यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम और ऑन इंस्टाग्राम. सो आज के सेशन में बस इतना ही. थैंक यू सो मच.